जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर सर्दी के इस मौसम में गीजर के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। पानी गर्म करने के लिए गीजर जरूरी है, इस्तेमाल में सुविधा भी होती है, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक महिला की बाथरूम में दम घुटने से मौत हो गई क्योंकि गैस गीजर से गैस लीक हो रही थी। ऐसा हादसा ना हो इसलिए सावधानी जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना हमारे लिए भी जरूरी है। सर्दी के महीने में ठंडे पानी से नहाना पड़े तो हालत कुछ ऐसी होती है। अव्वल तो लोग पानी के पास जाने से भी डरते हैं, जो हिम्मत करते ही उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। जैसे तैसे नहा लिया तो देर तक दांत कुछ इस तरह कीर्तन करते हैं। ठंडे पानी से नहाना तो मुश्किल है, हाँ अगर पानी गर्म है तो नहाने के मामले में विचार किया जा सकता है। इसलिए सर्दी की एंट्री के साथ गीजर की अहमियत बढ़ जाती है। बस स्विच ऑन किया और थोड़ी देर में ही नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद। लेकिन ये जो सुविधा है कई बार समस्या में बदल जाती है। कई मामलों में ये गीजर हादसे की वजह बन जाता है और हो सकता है कि किसी की जान भी चली जाए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गैस गीजर की वजह से एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। ऐसे हादसे से बचने के लिए गीजर के मामले में सावधान रहना जरूरी है, सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं गैस गीजर की वजह से हुए दो हादसों के बारे में। श्रीगंगानगर में एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। बाथरूम में गैस गीजर लगा था लेकिन गीजर से गैस रिसाव होने की वजह से महिला का दम घुट गया। इसी तरह भीलवाड़ा में 14 साल के बच्चे की बाथरूम में मौत हो गई, वहां भी गीजर से गैस लीक होने से उसका दम घुट गया। दोनों केस में बाथरूम में होने की वजह से महिला या बच्चे के दम घुटने की जानकारी समय रहते नहीं हो पाई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर सावधानी नहीं है तो ऐसा हादसा किसी भी घर में हो सकता है। जरा सी चूक एक बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। जिन घरों में गैस गीजर इस्तेमाल होता है उनको ये समझना जरूरी है कि गीजर का बर्नर चलने से ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बनती है। जब दिल और दिमाग को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आदमी बेहोशी में चला जाता है, दिमाग कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है और वह दरवाजा खोलकर बाहर आने की हालत में नहीं रहता। इसी वजह से बाथरूम के अंदर ही उसका दम घुट जाता है और कई बार मौत भी हो जाती है। इसलिए अगर घर में गीजर है तो सतर्कता भी जरूरी है। गीजर खरीदने से लेकर उसके इस्तेमाल करने तक लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यानी लोकल गीजर खरीदने से बचें। गीजर खरीदने के बाद कंपनी के इंजीनियर से ही फिटिंग करवाएं, चेक करें कि अर्थिंग सही है या नहीं। साथ ही खास तौर पर ध्यान रखें कि गैस गीजर खुली जगह पर ही लगाएं, यानी बाथरूम में हवा आने के लिए रोशनदान होना चाहिए। गैस लीकेज होने पर गीजर ना चलाएं। दीवार और गीजर के बीच थोड़ी खाली जगह होनी चाहिए और स्विच इतनी ऊंचाई पर हो कि बच्चों के हाथ ना पहुंचे। मसला सिर्फ गैस गीजर के साथ ही नहीं है बल्कि लापरवाही इलेक्ट्रिक गीजर के मामले में भी भारी पड़ सकती है। हालांकि इसमें पानी कॉपर कॉइल के जरिए गर्म होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार लोग गीजर ऑन करके बंद करना भूल जाते हैं। नहाते वक्त भी गीजर ऑन रखते हैं जबकि घंटों तक गीजर गर्म करने से हादसा हो सकता है। ज्यादा गर्म होने से गीजर फट सकता है, बॉयलर पर प्रेशर बढ़ने से लीकेज हो सकता है और करंट लग सकता है। हालांकि अब नई तरह के गीजर में कट ऑफ फीचर मौजूद है, पानी गर्म होने के बाद गीजर खुद ब खुद बंद हो जाता है, पर अगर गीजर पुराना है तो घंटों तक पानी गर्म होने पर हादसे की आशंका हो सकती है। इसलिए गीजर, खासकर गैस गीजर के इस्तेमाल में सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ गीजर ही नहीं, सर्दियों में रूम हीटर के इस्तेमाल में भी सावधानी जरूरी है। ठंड के मौसम में हीटर राहत तो देता है लेकिन कई लोग इसे रात में चलाकर सो जाते हैं। ये गलती भारी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात भर हीटर चलाने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाती है और ऑक्सीजन कम हो सकती है। ऐसे में सोते सोते सांस रुक भी सकती है।
ध्यान रहे कि रूम हीटर कमरे की हवा को ड्राई करता है, जिससे कि स्किन ड्राइनेस हो सकती है। ज्यादा रूम हीटर चलाने से आंखें भी प्रभावित हो सकती है, इससे आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को रूम हीटर से एलर्जी भी होती है, इससे निकली गर्म हवा से नाक भी ड्राई हो सकती है। अस्थमा या फिर सांस के मरीजों को रूम हीटर में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से सांस में समस्या हो सकती है। ये भी याद रखें कि हीटर रजाई, कंबल या फिर अन्य कपड़ों से करीब 5 फीट से ज्यादा की दूरी पर हो, इससे आग से बचा जा सकता है। हीटर के लापरवाही से इस्तेमाल करने पर सेहत को क्या नुकसान हो सकता है, बता रहे हैं डॉक्टर मानव मनचंदा। रूम हीटर जो जनरली हम इलेक्ट्रिक हीटर्स के नाम से रूम हीटर लगाते हैं अपने कमरे में, उसके कुछ अंगों पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे कॉमन होता है कि उससे ड्राइनेस हो जाती है पूरे कमरे में, तो ये ड्राइनेस आपकी आंखों को और आपकी स्किन को बहुत तंग करती है। आंख में एलर्जी हो सकती है ड्राइनेस से, स्किन में इरिटेशन हो सकती है ड्राइनेस से। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो लेस सीरियस हैं, लेकिन इससे कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि लंग्स को हमारे तंग करते हैं। जितना ज़्यादा हम रूम हीटर, सपोज हम 4-5 घंटे से ज़्यादा रूम हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर जो कमरे में ऑक्सीजन है वो कम होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो बढ़ती जाती है। जब ये गैस इकट्ठा होना शुरू होती है तो हमें एक्चुअली में कई बार पता नहीं लगता कि ये शरीर पे क्या साइड इफेक्ट कर रही है। केवल शुरू में सिर दर्द होगा, थोड़ी सी लाइट हेडेडनेस होगी, थोड़ा ऐसा लगेगा नौजिया जैसा लगेगा, सिर भारी लगेगा, चक्कर आएंगे। लेकिन अगर ये गैस की मात्रा कमरे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लंग्स को इतना तंग करती है कि सांस भी रुक जाती है और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये और भी, जैसे हम गैस गीजर इस्तेमाल करते हैं आजकल नहाने के पर्पज से, उसमें भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से काफ़ी कॉमन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप ये हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए करें, 1-2 घंटे के लिए करें। रात को सो के उसको ना चलाता छोड़ दें, ताकि रात में पता लगे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई और आप सोने में ही बेहोश हो गए। उससे हमें पता भी नहीं लगेगा कि शरीर पे क्या असर आया। तो लिमिटेड टाइम के लिए करें, अगर कोई एक आध खिड़की या दरवाज़ा खोल के अगर आप ये हीटर चला पाएँ तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे शरीर में जो कमरे में आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड वो इकट्ठी नहीं होगी।